क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट EVS, लेसन नंबर 2, इन द पार्क। डियर चिल्ड्रेन, वी डील विद मैनी थिंग्स इन डेली लाइफ विच वी रिकॉग्नाइज क्विकली। डू यू नो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दीज थिंग्स नॉट ओनली बाय सीइंग But our skin, nose and ears also play a great role in doing so. We can even recognize something by touching, smelling or by hearing its sound with our closed eyes. Let us try to understand the experiences shared by children while walking in a park. बेटे असी अपनी लाइफ के विच बहुत चीज़ों नू पहचानते हैं। ज़्यादातर चीज़ों नू असी देख के पहचानते हैं कि यह मेरे ममा है, यह मेरे दादा जी ने, यह मेरी फ्रेंड है, पर सिर्फ देखने दे नाल ही सानू पहचान नहीं होंदी। पहचानन लई असी अपने दूसरे सेंस ऑर्गन्स भी यूज करते हाँ, जिवें साडी स्किन है, हाथ लाने ते सानू पता लग जांदा है कई बारी कि मेरे ये हाथ मेरे मम्मी ने लगाया है मैनू या मेरे पापा ने लगाया है। असी उन्हां दे स्पर्श नू पहचानते हाँ। जे रसोई च कुछ बन रहा है, जरूरी नहीं कि तुसी अपनियां अखां नाल ही वह देखो, उसकी स्मैल जदों असीं सूंघते हाँ उसकी स्मैल सानूं आती है, असीं दस सकते हाँ कि अज मम्मी ने कुछ किचन दे विच चावल बनाए हुए ने, या कुछ सड़ रहा है, या कुछ वधिया वधिया टेस्टी पक रहा है। इस तरह जे कोई नाल दे कमरे विच दो जने गल्लां कर रहे हन तां सानूं उत्थे जाके देखण नाल ही पता नहीं लगेगा, सानूं सुनदी है जदों आवाज़ साढ़े ईयरस नूं असीं जदों इस्तेमाल करते हाँ, कन्नां तों सानूं आवाज़ सुनदी है तां पता लग जांदा कि दो जने उत्थे बोल रहे हैं, तो किहदे दो जण्यां दी आवाज़ है। असीं कई चीज़ां नूं बिना देखे अखां बंद करके भी पछाण सकते हैं, किवें उस चीज़ नूं टच करके, स्पर्श करके, जिवें तुहाडे सामने एक कौली पई है, एक गिलास पिया है, जे अखां बंद करके उसनूं टच करोंगे तां पता लग जूगा ना कि वह कौली है या गिलास है, वह बुक है या कपड़ा है। उस चीज़ नूं स्पर्श करदिआं ही सानूं पता लग जूगा उसनूं बिना देखिआं होइआं। सिमिलरली जदों असीं किसी चीज़ दी स्मैल लैंदे हाँ, पता लग जाता है कि यह लकड़ की अलग स्मैल होंदी है, फुल की अलग स्मैल होंदी है, तो सानू स्मैल लैके भी पता चल जाता है कि यह की चीज़ है। या असी अखां जो बंद करते हैं अपने कन्नां जो आप सुनने की कोशिश करते हैं तो सानू आवाज़ तो भी पता लग जाता है, अखां बंद कीतियां तो किसी ने आवाज़ दी तो उस आवाज़ को भी पहचान सकते हो कि किसकी आवाज़ है। दूर बैठे पापा जी ने आवाज़ दी है, दादा जी ने आवाज़ दी है, सानू पता लग जूगा कि दूरों मेरे दादा जी ने आवाज़ दी है, देखने की हजे उस कोई जरूरत नहीं। तो मतलब असी चीज़ों सिर्फ अपन अखों के नाल ही नहीं, अपने बाकी सेंस ऑर्गनस जिवें साडी स्किन होगी जिदे नाल असी टच करते हाँ, अपने कन्न जिदे नाल सुनते हाँ, अपने असी
ਨੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੈਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੂਡੇ ਕਿਰਨ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਜ ਸ਼ੀ ਸਟੂਡ ਫਸਟ ਇਨ ਹਰ ਕਲਾਸ। ਔਨ ਰੀਚਿੰਗ ਹੋਮ She put her school bag aside and ran to her father to give good news. Her father happily patted Kiran's back and appreciated her. Kiran really liked that. Kiran's father called her mother and said, "Look, our daughter has stood first in her class." ਅੱਜ ਕਿਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥਾਪੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਿਰਨ ਵਾਜ ਕੋਂਸਟੈਂਟਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਮਿਸਚੀਵਸ। ਸ਼ੀ ਸਪਿਲਟ ਟੀ ਔਨ ਹਰ ਕਲੋਥਸ So her mother got irritated and scolded her. That is why Kiran was unhappy with her mother and was not talking to her. But when her mother hugged her and kissed her affectionately, she forgot her anger and became happy. She also promised her mother not to be negligent while doing activities which could harm her or anybody else. Father told that anger and happiness are feelings felt by our mind. ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਰਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਨ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
कोई भी काम करदिया होया एहो जी लापरवाही बिल्कुल नहीं करूगी जिस दे नाल उसनू नुकसान पहुँचता होवे या किसी होर दा नुकसान हुंदा होवे। पापा ने उसनू दस्या कि जो गुस्सा अते खुशी है यह भावनावां हन ते भावनावां नू कादे नाल महसूस किया जाता है, दिमाग दे नाल। इसनू टच करके देख के सुन के महसूस नहीं किया जाता। ये जो भावनावां हुंदियां ये असीं कित्थों महसूस करते हाँ, अपने दिल अते दिमाग तों।